तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पीएफएमएस पे आप अपनी छात्रवृत्ति कैसे देख सकते हो। दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पे पीएफएमएस पे बहुत सारे स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं देख पा रहे हैं, जबकि उनका मोबाइल नंबर लिंक है बैंक से, फिर भी यहाँ पे आ रहा है कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है छात्रों के साथ में, इन सारे जवाब आप लोगों को जो इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और आप लोगों को बता दें समाज कल्याण अधिकारी ने यहाँ पे क्या कहा है आप लोगों के पीएफएमएस के रिलेटिव। दोस्तों पूरा आप लोगों को वीडियो समझिए, पूरा वीडियो आप लोग जानिए, और जो चैनल पर नए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो बताएँगे आप लोगों को अपना पीएफएमएस पे स्टेटस कैसे देखना है, छात्रवृत्ति कैसे देखना है। दोस्तों आप लोगों को सिंपली अपने गूगल ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट सर्च करना है जिसका नाम है sarkarijob.co। ये वेबसाइट जब भी आप अपने क्रोम पे इंटर करोगे आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन पे इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। आसानी से आप यहाँ पे इसको पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा यूपी स्कॉलरशिप चेक बैंक अकाउंट 2021 पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो भी यूपी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को रोज़ाना इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे रोज़ाना मिलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग जैसे कि यहाँ से होता है चेक आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक। सबसे पहले स्टूडेंट अपना देखेंगे उनका लिंक है कि नहीं, जैसे कि उनका आधार जो है वो लिंक है कि नहीं बैंक से। यहाँ से क्लिक किया से आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बताएंगे चेक स्कॉलरशिप स्टेटस इन बैंक अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर पे पीएफएमएस पे यहाँ से देखोगे आसानी से आप लोगों को यहाँ पे खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनका हो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम जो आप लोगों को बता दें अकाउंट नंबर है यहाँ से सिलेक्ट करिए बैंक यहाँ से, और इंटर कन्फर्म सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे भी आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसमें फिल करिए आसानी से। दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसा कि फिल कर दिया है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम इसमें भी फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिल कर दिया है, और दोस्तों यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही। और दोस्तों इसमें बताते हैं इसमें वेबसाइट में क्या हो रहा है, किस लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, दोस्तों वो भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं उनका आ जाता है नोट फाउंड मोबाइल नंबर, जबकि उनका मोबाइल नंबर लिंक है बैंक से, फिर भी बता रहा है उनका नहीं लिंक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समाज कल्याण अधिकारी ने क्या बोला है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं सबसे पहले यहां पे आप लोगों को बताएंगे, दोस्तों आप लोग यहां पे समझिए आसानी से। जैसे कि आप लोगों का जो यहां पे पीएफएमएस पे आप लोग अपना छात्रवृत्ति देखते हो, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप लोग छात्रवृत्ति देखते हो कब तक आप लोग देख लोगे यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि आप लोगों के जो अपडेट्स हैं यहाँ पे 90% आप लोगों के अपडेट्स हो चुके हैं अभी तक, समाज कल्याण अधिकारी ने ये बोला है, ठीक है। आप लोगों के 90% जो भी अपडेट्स हैं वो हो चुके हैं, और बचे हुए हैं जैसे कि 5% आप लोगों के अपडेट्स बचे हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो सिस्टम है उसको 5% सिर्फ अपडेट्स छात्रों के करने बाकी है, यानी कि 95% आप लोगों का अपडेट्स क्लियर हो चुका है छात्रों का पीएफएमएस वाला, और आप लोगों का बचा सिर्फ 5%। वो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 20 तारीख के पहले पहले और दोस्तों आप लोगों का अपडेट्स कर दिया जाएगा, और सिस्टम अपडेट्स पूरा हो चुका है, कुछ बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये समाज कल्याण अधिकारी ने बताया, रिकॉर्डिंग भी है जैसा कि आप लोग यहाँ पे उसको देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं मैं समाज कल्याण खुद गया था तो यहाँ पे उन्होंने बताया। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं समाज कल्याण के जो ऑफिस हैं
बहुत ही कम खुली है। मतलब समाज कल्याण जैसे कि कोरोना चल रहा है तो आप लोगों को पता है, आप लोग जाओगे वहाँ पे स्टाफ बहुत ही कम मिलेगा, मतलब एक आध दो लोग ही मिलेंगे ओनली। और यहाँ पे ऑफिस खुला होगा लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो आप लोगों को अगर जो जाना चाहते हो तो आप लोग एक दो स्टूडेंट ही जाएं, वरना आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया 5% सिर्फ आप लोगों के अपडेट्स बाकी हैं, वो 20 तारीख के पहले पहले आप लोगों के अपडेट्स कर दिए जाएंगे। 95% आप लोगों के अपडेट्स हो चुके हैं, सारे स्टूडेंटों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं PFMS पे, और आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही जल्द आप लोग अपना छात्रवृत्ति इस पे देख सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों को बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जैसा कि हम देखते हैं वो बताते हैं कि आप लोग अलग अलग उमंग से अपना छात्रवृत्ति देखो PFMS से, तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ जाता है। आप लोगों को अपना MPN ID बनाना पड़ता है, बहुत सी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और सारे स्टूडेंट भी नहीं उस पर वर्क भी नहीं करता। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें, आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, सिर्फ आप लोगों को 5% बचा हुआ है, ठीक है अपडेट्स। तो आई होप आप लोगों को ये डाउट्स समाज कल्याण से मिला हुआ है क्लियर हो चुके होंगे। और जो चैनल पे नए हैं फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों।